साल 2030 जब पहली बार कोई इंसान मंगल ग्रह पर अपने कदम रखेगा, जहां हम एक नई दुनिया और नई सभ्यता का निर्माण करेंगे। लेकिन मंगल तक पहुंचने से पहले हमारे एस्ट्रोनॉट्स को किन हालातों का सामना करना पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर वन, मंगल तक पहुंचने के लिए स्पेसक्राफ्ट को 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी 8 से 10 महीने में पूरी करनी होगी। लंबे समय तक स्पेसक्राफ्ट के अंदर जीरो ग्रेविटी होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स की मसल्स और बोन्स की डेंसिटी काफ़ी कम हो सकती है और कमज़ोर भी हो सकती है। इसके साथ ही अपने परिवार और पृथ्वी से दूर रहने पर उन्हें कई प्रकार के मेंटल इलनेस का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर टू, इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा फ्यूल मतलब कि ज़्यादा वेट, और इतने भारी स्पेसक्राफ्ट को कैरी करने के लिए हमें और भी ज़्यादा फ्यूल चाहिए। काफ़ी लंबे डिस्टेंस होने के कारण रास्ते में स्पेसक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। नंबर थ्री, मिशन की आखिरी स्टेज जिस पर लगभग 70% से भी ज़्यादा मिशंस फेल हो जाते हैं, और वो है स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग। जब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को जीरो पर लाना होता है, और वो भी सिर्फ 7 मिनटों के अंदर, सबसे ज़्यादा रिस्क भरा वाला स्टेज यही होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 2030 तक हम मंगल पर एक नई दुनिया बसा पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।